नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों तो जाओ सावधान, अब पूरे 36 साल बाद फिर तबाही का मंजर दिखने वाला है। ना घर के रहोगे और ना घाट के, गहरा सदमा लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सबों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके दुश्मनों के साथ होने वाला है। अब आपके दुश्मन ना घर के रहेंगे और ना घाट के। आपके जीवन में जितनी भी बुरी शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ आपको लगातार परेशान कर रही है, उनका अब जड़ से सफाया करने वाला है भगवान शनिदेव। दोस्तों आपके कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव की उग्रता पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरे 36 साल बाद शनिदेव अष्टम भाव में सबसे उग्र स्थिति में दिखाई दे रही है, और जो आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होने वाला है। जो भी बुरी शक्ति और बुरी नज़र आपकी तरफ उठेगी, उसका अब सर्वनाश होना सुनिश्चित हो चुका है। दोस्तों शनिदेव की असीम ऊर्जा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में पड़ चुकी है, तो ऐसे में भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर बन रही है। तो अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अगले 7 दिनों में महा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको जो खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं अगले 7 दिनों में, सुनकर आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी खुशखबरी आप लोग जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद से खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो का निर्माण ग्रहों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए निर्मित किया गया है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अगले 7 दिनों के समय अंतराल में आप सभी के जीवन काल में क्या क्या आपको खुशखबरी मिलने वाली है, और यश में आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानियां रखनी होगी, और यश में आपको किन किन बातों को भी अपने ध्यान में रखना होगा, जिनसे कि आने वाले समय में आप सभी को किसी प्रकार की कोई परेशानियां उत्पन्न ना हो। और यश में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल और पारिवारिक जीवन में कौन कौन से बड़े सुधार देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भक्त भगवान शनिदेव के सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक दिल से जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सबों के ऊपर सदैव बनी रहेगी, और आपके जो उनके सारे बीड़े कार्य भी बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों कि तुम जीवन में तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपने तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। दोस्तों यही अद्वितीय तुम हो, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो और कड़ी मेहनत करो, और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए डटे रहो। दोस्तों कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं, बल्कि हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। दोस्तों की कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कितना कठिन हो। दोस्तों कि सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इसी दुख में सबको धैर्य की परीक्षा भी ली जाती है। दोस्तों कि माना कि कठिनाइयां आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयां आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत भी होना सीख जाता है। जी हाँ दोस्तों, बातें अगर अच्छी और सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि अगले आने वाले 7 दिनों के समय अंतराल में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सबों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली है, और आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानियां रखनी होगी, और यश में आपको किन किन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों यह 7 दिनों का समय भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बेहद ही शुभ और लाभप्रद समय रहने वाला है। दोस्तों यह समय आप सबों को वो खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं जिनके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों यह समय आपकी वित्तीय स्थिति एवं करियर में तरक्की का दिन है, लेकिन इन सब के लालच में अपने परिवार की उपेक्षा आप बिल्कुल ना करें। दरअसल यह समय आप अपने भीतर आध्यात्मिकता का भी अनुभव करेंगे, इन दोनों शक्तियों के बीच उलझा हुआ अनुभव भी करेंगे, लेकिन अंततः दोनों में संतुलन बना पाने में आप कामयाब भी होंगे।
और दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ की दृष्टि में देखा जाए दोस्तों यह समय अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं और यह दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं बनाते तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे और यह समय महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आप मजा लें और आपको संतुष्टि और काफ़ी आनंद महसूस भी होगा। और दोस्तों यह समय आपकी करियर और धनराशि फल की दृष्टि में देखें दोस्तों यह समय आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे। यह समय आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद भी लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे और यह समय आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा। और दोस्तों यह समय आपके बिजनेस व्यापार की दृष्टि में देखें दोस्तों यह समय व्यापार में निवेश बढ़ाने और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए विचार परामर्श भी करेंगे और काम धंधे के समय कोई भी बाहरी निवेश करने को लेकर चर्चा भी हो सकती है और किसी भी अन्य व्यापार में निवेश करने के लिए किसी भी प्रस्ताव पर सहमति भी बन सकती है और फाइनेंस संबंधी काम आगे बढ़ते देखे जाएंगे और वस्त्र तथा स्टेशनरी के व्यापारियों को यह समय अच्छा लाभ होगा और नौकरी करने वाले जातकों के ऑफिस के वर्तमान माहौल में आपके लिए मन लगाना कुछ मुश्किल भी हो सकता है। और दोस्तों यह समय छात्रों के लिए समय बेहद ही बेहतरीन रहेगा। दोस्तों यह समय आपकी मेहनत सफल होगी और परीक्षा में आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सकारात्मकता परिणाम भी मिलेगी और यह समय आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह और शिक्षा के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें, जल्द ही आपको सफलता मिलने की संभावनाएँ बनी रहेगी। और दोस्तों यह समय आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि में देखें दोस्तों यह समय अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सिर दर्द और थकान महसूस होंगी। महिलाओं को अपने खान पान का अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। क्षमता से अधिक काम करने से भी बचें। और दोस्तों यह समय आपके घर परिवार के माहौल में देखें दोस्तों पति पत्नी के मध्य किसी बात पर आपसे झगड़ा भी हो सकती है। दिन के उत्तरार्ध में अचानक अतिथियों के आगमन से वह भार बढ़ेगा। आप अपने सामाजिक क्षेत्र में मेलजोल बढ़ाने में कामयाबी होंगे और मित्रों के साथ अचानक लंबी यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है और सायंकाल के समय धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं।